वसंत ऋतु में मूंग को लगाने का उचित समय 15 से 25 मार्च है। इसके बाद हम मूंग को लगभग 10 अप्रैल तक लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उचित प्रजातियों का चुनाव करें अपनी बुआई के लिए। सबसे पहले पुरानी प्रजातियों में पूसा विशाल, पूसा 9531 और SML 668 है। IPM 02-14 को साउथ इंडिया में स्प्रिंग सीजन में लगाया जा सकता है। IPM 205-7 और IPM 410-3 ये प्रजातियां 55 दिन में पकती हैं और इन प्रजातियों को संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विकसित किया गया है। पूसा संस्थान से नवीनतम प्रजातियों में है पूसा 1431 जो स्प्रिंग सीजन के लिए सुटेबल है। अभी हाल ही में प्रजाति एक रिलीज हुई है दिल्ली स्टेट से, उसका नाम है पूसा 1641। मूंग की बुआई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से बना लें। दो बार तीन बार हल चलाने के बाद पटा लगाकर उसको समतल कर लें। मूंग का खेत समतल होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जहां पर भी पानी भरेगा वहां पर पत्तियां पीली पीली दिखाई देंगी। पर हेक्टेयर मूंग की बुआई करनी चाहिए। बुआई को कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मूंग में 100 किलोग्राम DAP पर हेक्टेयर डालते हैं और उसके अलावा जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहां 25 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर डालते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमिथिलीन को हम 30% EC को 1 kg पर हेक्टेयर से लगाते हैं। मूंग में स्प्रिंग समर सीजन में 2 से 3 पानी लगते हैं। पहला पानी हम बुआई से पहले लगाते हैं जो खेतों में प्रचुर मात्रा में जमाव को सुनिश्चित करता है जिससे हमारा उत्पादन कम नहीं होता। दूसरा पानी हम 20 से 21 दिन पर लगाते हैं। 20 दिन पर जब हम पानी लगाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जब फसल 60-65 दिन की हो जाए और लगभग 85% फलियां पक जाए तो उन्हें काट कर अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के लिए बीज के लिए जो हम तैयार करेंगे उसको हम छाया में सुखाएंगे और जो दाल के लिए होती है उसको हम धूप में भी सुखा सकते हैं। अच्छी तरह सुखाने से जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनकी समस्या कम हो जाती है। हम उसको अच्छी तरह से सुखा कर ही स्टोर करते हैं।